बच्चों, पिछले क्लास तक हमने कर लिया था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में इंटर करने जा रहे हैं। तो टॉपिक क्या होगा हमारा? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। बच्चों आपको बता रखा है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो तरह के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द आइसोमर दैट अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वैसे आइसोमर्स जो के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के वजह से आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे हमने पिछले क्लास में कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करी, तो उसमें हम क्या कर रहे थे? एक एटम को पकड़ के दूसरे एटम को घुमा रहे थे, करेक्ट? जिसके वजह से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे, अलग अलग स्टेबिलिटी के, वो थे हमारा कॉन्फॉर्मेशन। अब उसके अलावा हमने कुछ केसेस में देखा है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप सब देख चुके होंगे, हमने ही पहले डिस्कस कर रखा है। यहां पे अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखें आप, तो कनेक्टिविटी 100% सेम। कनेक्टिविटी 100% सेम होने का मतलब है ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं, करेक्ट? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। अब इसके बाद हमें देखेंगे, हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है। तो यहां पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखें पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। उसी तरह से यहां पर भी आप देखेंगे इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, दैट मींस यहां पर भी क्या हो रहा है? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। और जब भी ऐसे केस हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस स्ट्रक्चर से क्या आप ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सकते हैं बिना बॉन्ड तोड़े हुए? इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बिना बॉन्ड तोड़े हुए। ये आपको पिछले क्लास में भी, मतलब पिछले टॉपिक कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में भी बता रखा है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब होता है? एक से दूसरे स्ट्रक्चर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं बिना बॉन्ड, रोटेट नहीं कर सकते। क्लियर? दैट मींस ये दोनों जो आइसोमर्स हैं, सबसे पहली बात ये स्टीरियो आइसोमर्स है, उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये, क्योंकि बॉन्ड आप घुमा नहीं पा रहे। तो ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आई होप काफी हद तक क्लियर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। यहां पे देखने का तरीका है, आप मान लेते हैं दो एटम को कंपेयर करिए, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में लेंथ मान लेते हैं एल वन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में लेंथ मान लेते हैं एल टू। तो आप क्या देख रहे हैं? अगर ये एक प्लेन ऑफ पेपर मानेंगे तो ये H और ये H के बीच में दूरी क्या हो गया? डायगोनल। इस H और इस H के बीच में दूरी क्या हो गया? लेंथ। तो किसी भी स्क्वायर शीट में क्या लेंथ और डायगोनल बराबर हो सकता है? नहीं होगा। दैट मीन्स हियर L1 इज नॉट इक्वल टू L2। जहां पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दो स्ट्रक्चर है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और को
उसमें L1 और L2, L1 और L2 क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स ऑफ योर चॉइस। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है? तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या है। अब समझते हैं कि कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को पहचानने के लिए। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, ये बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। आपको बस अटेंटिव रहना है और थोड़ा बहुत हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में चीजें पढ़ी, केमिकल बॉन्डिंग में हमने शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल वगैरह काफी डिटेल में कर लिया था। अगर आपको वो चीज आती है तो यहाँ पर आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, काफी आसानी से आप पूछ लीजिए, पकड़ सकते हैं, काफी आसानी से आप समझ सकते हैं। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो है कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानना है तो। सबसे पहला आपको कंडीशन क्या है, वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ये आपका प्राइमरी कंडीशन है। ये नहीं है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे कैसे आपका हो सकता है, ये चीजें सोचनी है। तो पाई बॉन्ड के वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, या प्रेजेंस ऑफ रिंग के वजह से हो सकता है। रिंग में के केस में भी आपको बता दिए थे कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में यहां पे रोटेट नहीं कर सकते हैं, पाई बॉन्ड में भी रोटेट नहीं कर सकते हैं। दैट मींस इन दोनों का एटलीस्ट किसी एक का प्रेजेंस कंपलसरी है। ये है तभी आप कह सकते हैं कि हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं, द टर्मिनल एटम्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जिसके अलावा आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देख रहे हैं उस पर्टिकुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। टर्मिनल एटम जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप देख रहे हैं उसके जो टर्मिनल एटम है, एंड वाले एटम, मस्ट बियर टू डिफरेंट ग्रुप, मतलब दो अलग अलग ग्रुप बियर करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CH3H, यहां पर देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहला कंडीशन सैटिस्फाइड, पाई बॉन्ड का प्रेजेंस है, यही आपको देखना है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आप अग्री कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, द टर्मिनल एटम ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। टर्मिनल एटम कौन है, ये कार्बन और ये कार्बन। टर्मिनल एटम्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी है, इनके पास क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप। तो इसके पास देखें CH3 और H, दो अलग अलग ग्रुप है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही। यहां पर लेकिन दूसरे कार्बन पे देखेंगे H और H, दोनों सेम ग्रुप हो गए। और मैं क्या कह रहा हूं, दोनों पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों सेम ग्रुप है। दैट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्लियर ये पॉइंट, दैट टर्मिनल एटम्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बियर टू डिफरेंट ग्रुप्स। आप चाहे तो और लिख सकते हैं ऑन ई चैट, या ये तो हमने पहले ही लिख लिया है टर्मिनल एटम्स। दोनों में आपको देखना है कि दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर, अब आते हैं थर्ड कंडीशन में, आई होप काफी हद तक क्लियर होगा आपको। थर्ड कंडीशन जो है आपका रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप्स
ईच एटम ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी डिफरेंट. रिलेटेड डिस्टेंस जो है ग्रुप का एट ईच कार्बन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या ईच एटम ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन दो एटम के बीच में है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने हमें क्या देखा था अभी सी एच सी एच थ्री एच, दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा था हमने सी एच थ्री एच एच सी एच थ्री. यहां पर हमने इसको L1 डिफाइन किया था, यहां पर हमने इसको L2 डिफाइन किया था. तो कंडीशन क्या है, डिफरेंट होना चाहिए. दैट मीन्स L1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू L2. अगर L1 और L2 बराबर हो रहा है तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये बोल सकता है. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस चीज में? चलिए इस तरह से एक और चेक करते हैं. आई होप काफी हद तक आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल्स करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरेंस मिल जाएगा. ये तीनों पॉइंट नोट करेंगे. मान लेते हैं एक एग्जांपल है, CH3 CH2. आपको बताना है क्या ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा. काफी सिंपल सवाल है, आपके पास तीन ऑप्शंस थे, मतलब तीन स्टेप्स थे, तीन तरह से आपको चेक करना था. तीन स्टेप्स में वो सारे स्टेप्स आप लगाएंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको चेक करना था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां मिलता है, या तो पाई बॉन्ड हो या तो रिंग हो. क्लियर? तो यहां पर देखें, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मैं बात करूंगा तो यहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है. करेक्ट? तो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सीन मेरा पॉसिबल है, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट कंडीशन क्या था मेरा, नेक्स्ट कंडीशन था आप देखेंगे जो टर्मिनल कार्बन आप देख रहे हैं, जो टर्मिनल कार्बन आप देख रहे हैं जिसके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उस पर दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए. जैसे यहां पर आप किसके बीच में देख रहे हैं, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में. इस कार्बन पे ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो ये जिसके अलॉन्ग रिंग बन रहा है जिसके वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके अलावा ये सी एच थ्री और एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा. अब आप देखिए सी एच थ्री और हाइड्रोजन को कंसिडर करिए. अभी के लिए मान लेते हैं रिंग है, तो सी एच थ्री या तो अबव हो सकता है या बिलो हो सकता है. उसी तरह से सी एच थ्री या तो अबव हो सकता है या बिलो हो सकता है. करेक्ट? दैट मीन्स आपके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं. सी एच थ्री एच सी एच थ्री एच, या फिर सी एच थ्री एच एच सी एच थ्री. खैर मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है आपको बस ये देखना है कि दोनों एंड पे, दोनों टर्मिनल एटम पे आपको देखना है दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं. तो आप देखें सी एच थ्री एच प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये वैलिड है. सी एच थ्री एच प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये वैलिड है. क्लियर? कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए जो कि है भी. थर्ड पार्ट आपको क्या देखना है, L1 मस्ट बी इक्वल टू L2, मस्ट नॉट बी इक्वल टू L2. आप यहां पर चेक करें H और H के बीच में डिस्टेंस L1, H और H के बीच में डिस्टेंस L2, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कभी भी इक्वल हो सकता है? नहीं. दैट मींस L1 नॉट इक्वल टू L2, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है. जब ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. ये जो मॉलिक्यूल है
ये मेरा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए जिसके जिस एटम के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो वो भी है, एक कार्बन पे CH3H, दूसरे भी कार्बन पे CH3H, क्या सेम है? नहीं है। आप कहेंगे सर ये भी HCH3 ये भी HCH3 तो ये तो सेम आ गए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस एटम पे देखिए, एक एटम पे H है CH3 है, ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है ना, उसी तरह से दूसरे एटम पे देखिए H है CH3 है, इस एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं ना, तब यही चीज मैं कह रहा हूं डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो प्रेजेंट है। थर्ड देखेंगे L1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू L2, तो L1 और L2 बराबर नहीं है, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो चीज आपको मिल रही है कि रिलेटिव डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो ये था हमारा कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको इसी तरह से देखना है, क्लियर? तो बच्चों अभी तक हमने समझ लिया है कि कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेंगे, लेकिन आपको चेक करना है उसी तीन स्टेप में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा और बेटर वे में क्लियर हो जाएगा बॉन्ड रोटेशन और रिलेटिव डिस्टेंस और डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ये तीनों चीज। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन क्या है, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ये सारे आप देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, इनमें से कितनों में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ये बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला पाई बॉन्ड आपको दिख गया, करेक्ट, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहला टिक हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखना है, ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, खैर यहां पर नहीं दे रखा है ग्रुप्स कौन से हैं, तो आप अपने आप से मान लें कि वो सूटेबल है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहा है, किन बॉन्ड्स मल्टीपल बॉन्ड्स के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, तो आप अपने आप से मान लें कि डिफरेंट हैं, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन आपको क्या चेक करना है, रिलेटिव डिस्टेंस, तो मान लेते हैं डिफरेंट है A B C D, चार अलग अलग ग्रुप हो गए, करेक्ट, तो ए का सी से दूरी देखिए, फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं A B D C, ए का सी से दूरी देखिए, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस दो अलग अलग कंपाउंड में बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, दैट मींस ये जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मेरे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्लियर। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पाई बॉन्ड है, दो दो पाई बॉन्ड है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन में देखेंगे तो सेकेंड कंडीशन में है दोनों टर्मिनल कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, यहां पे अगर मैक्सिमम भी तो एक ही ग्रुप जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप जोड़ लीजिए, लेकिन ये एक ही जुड़ा हो सकता है, दो नहीं जुड़े हो सकते, क्लियर, दैट मींस सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो थर्ड के बारे में सोचेंगे ही नहीं, जब सेकेंड ही सेटिस्फाइड नहीं है तो थर्ड के बारे में क्यों सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, That means ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सी ट्रिपल बॉन्ड सी कभी भी शो नहीं कर सकता है, क्लियर। अब यहां पर देखते हैं सी डबल बॉन्ड एन के लिए, तो सी डबल बॉन्ड एन में देखेंगे तो नाइट्रोजन की वैल्यू जो तीन होती है, अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पर एक लोन पेयर भी होगा, क्लियर, आप चेक कर लें बी का रिलेटिव डिस्टेंस सी से, रिलेटिव डिस्टेंस लोन पेयर से, क्योंकि लोन पेयर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डिफरेंट बिहेवियर का, क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना था, पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके बाद चेक करना था दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ए बी डिफरेंट, सी और लोन पेयर डिफरेंट, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तीसरा कंडीशन क्या है, L1 और L2 को डिफरेंट होना चाहिए, है मिल रहा है आपको L1 L2 डिफरेंट, क्लियर, दैट मींस ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखेंगे तो सी ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पर एक लोन पेयर है जो कि इस तरफ है, दो डिफरेंट ग्रुप नहीं बन पा रहे, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तीन बॉन्ड इधर बना लिए, एक ही बॉन्ड इधर बनाएगा, दैट मींस इधर भी
एक ही ग्रुप है, दो ग्रुप तो है नहीं, तो यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, पाई बॉन्ड के वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, लेकिन दो अलग अलग ग्रुप थे क्या? नहीं थे दो अलग अलग ग्रुप, दैट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, as simple as that, क्लियर? यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर देखेंगे तो कार्बन पे अलग अलग ग्रुप तो मैंने मान लिया, पाई बॉन्ड है दैट मींस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, तो कार्बन पे चलिए मान लेते हैं ए और बी डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो इधर भी लोन पे, दैट मींस ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, आइडेंटिकल है, अरे एक ही आइटम के दो लोन पेयर को आप सेम ही मानोगे यार, सेम रिएक्टिविटी का होगा, क्लियर? दैट मींस ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, जब ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, हमारा सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम थर्ड के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्लियर? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पे कैच आता है बाद में क्वेश्चन ई के लिए, इफ प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड का क्या मतलब है? एन एसिडिक मीडियम, अगर यहां पे एसिडिक मीडियम दे दिया जाए तो एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है? एच प्लस होगा यहां पे बहुत सारा, मीडियम एसिडिक है मतलब क्या है? एच प्लस है, एसिड गैस है, क्या होता है? एच प्लस डोनेट करे, तो यहां पे एच प्लस बहुत ज्यादा है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इधर जाएंगे डोनेट करेंगे, आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ए बी ओ एच लोन पेयर प्लस, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें ए का डिस्टेंस एच से और ए का डिस्टेंस लोन पेयर से डिफरेंट है, तो सारी कंडीशन चेक करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, सेकंड पॉइंट क्या था? अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, तो इस कार्बन पे देखें ए और बी अलग अलग है, इस ऑक्सीजन पे देखें एच और लोन पेयर अलग अलग है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, फिर देखेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, तो आप देख रहे हैं दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस ए का ही देखिए, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से अलग अलग है लोन पेयर से, करेक्ट? दैट मीन्स तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट मीन्स इन प्रोटोनेटेड एसिडिक मीडियम में ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकती है, कोई बहुत भारी बात नहीं है। तो आई होप काफी हद तक आपको क्लियर है कि कौन से कैसे आपको चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, आपको और काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, काफी और ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा चेक करने का कि कौन सा मॉलिक्यूल कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है और कहां पर नहीं कर रहा है, नोट करेंगे फटाफट से। तो बच्चों अभी तक हमने जो सीखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे पहचानना है, कोई एक मॉलिक्यूल शो करेगा या नहीं करेगा, उसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आपको नीट मेंस एडवांस टाइप में मिल जाता है, एडवांस में एग्जैक्टली ये तो नहीं मिलता है, आपको नंबर्स काउंट करने या फिर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिलता है जो कि इससे रिलेटेड ही होता है, मेंस और नीट में ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आपको बस पहचानना है कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो शुरू करते हैं, पहला फर्स्ट रूल क्या था? पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सेकंड क्या था? जो आपका टर्मिनल कार्बन है या टर्मिनल एटम है उस पर दो अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेम ही ग्रुप है, दैट मींस ये नहीं शो करेगा। आगे बढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, बहुत सिंपल है, इतना ही सोचना। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, दोनों टर्मिनल कार्बन पे, टर्मिनल एटम पे जिसके अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उसमें दो अलग ग्रुप को जुड़े होने चाहिए। तो इस कार्बन पे देखेंगे एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो इस कार्बन पे तो दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, एक CH3 एक हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पे देखें दोनों हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, दैट मींस ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा।
क्लियरली थर्ड में देखें उसी तरह से पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन में देखेंगे तो जिसके अलोंग आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसमें दो अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। देखें हाइड्रोजन CH3 दो अलग अलग हो गए, इस पे भी देखें हाइड्रोजन CH3 दो अलग अलग हो गए, दैट मीन सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। और थर्ड कंडीशन क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं हमने सिंगल पाई बॉन्ड के, L1 और L2 अलग अलग ही होता है। क्लियर, L1 और L2 कैसे अलग अलग होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी है आपको पता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इससे इसको कंपेयर करें इसको कंपेयर करें अलग अलग ही आएगा। दैट मीन्स इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे हम देखेंगे तो पाई बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेटिस्फाई। सेकेंड पॉइंट क्या था मेरा, टर्मिनल कार्बन जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उस पे दो अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, दैट मींस इस कार्बन और इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे देखें HSCH3 है, दो अलग अलग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है करेगा। लेकिन इस कार्बन पे अगर देखें दोनों CH3 ही है, आइडेंटिकल ग्रुप है, और कंडीशन क्या था अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, यहां पर आइडेंटिकल आ रहा है दैट मींस ये भी नहीं करेगा। क्लियर, यहां पर देखें पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डन, सेकेंड अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए दोनों टर्मिनल कार्बन पे जिसके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो देखें CH3C2H5 इस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है, एच और डी उस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है। आइसोटोपी सही है लेकिन है तो अलग ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा ना, दैट मीन्स ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। क्लियर है चीज, कोई कंफ्यूजन, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जल्दी चेक करें सेक्स में, पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डन, सेकेंड दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो CH3H C2H5H अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिलेटिव डिस्टेंस आपको पता है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर, नेक्स्ट देखें पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डन, अलग अलग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो वो चेक करें CLF अलग अलग है, FCL अलग अलग है, दैट मींस ग्रुप अलग अलग हो गए। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, L1 और L2 रिलेटिव डिस्टेंस। तो आपको पता है सिंगल अगर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो उसका रिलेटिव डिस्टेंस अलग अलग ही होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हमने। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर, 8 पे आते हैं, तो 8 पे आप देखेंगे दो दो डबल बॉन्ड है, तो दो दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का साइट हो गया। क्लियर, अब आपको क्या चेक करना है, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल एटम, एक ये हो गया एक ये हो गया, करेक्ट, आप चेक करें, बट ये भी हो गया, तो आप चेक करें इस डबल बॉन्ड के लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए देखेंगे तो यहां पर तो दो हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप नहीं कर सकता है इसके अलोंग, इस डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं कर सकता है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है, तो ये भी नहीं कर सकता है, दैट मींस इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अलग अलग कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना होगा या नहीं होगा हमने देख लिया। अब एक तो एग्जांपल देखते हैं रिंग के साथ, एक एग्जाम्पल हमने देख रखा है, मान लेते हैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर है CH3H, तो यहां पर आप देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग के केस में होता ही होता है, तो वो चीज क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन डन। सेकंड कंडीशन क्या है आपका, सेकंड कंडीशन है अलग अलग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो इस कार्बन पे देखें CH3H, इस कार्बन पे देखें CH3H, अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड कंडीशन क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस, तो इसका भी बहुत सारे एग्जांपल देख लिया, रिलेटिव डिस्टेंस अलग अलग है, नहीं तो आप चेक कर लीजिए H का H के साथ, H का CH3 के साथ आपको दिख रहा है लेंथ अलग अलग आ रहा है।
दैट मीन्स तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 H CH3, यही दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस दोनों केस में अलग अलग है, कोई कंफ्यूजन इस चीज में, ठीक है। H और H के बीच में देखिए L1 है, यहां पे L2 अलग अलग हो गया। यहीं पर अगर मैं बोलू ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, अंतर क्या है इसमें इसमें और इसमें, यहां पे दोनों हाइड्रोजन आपको क्या दिख रहा है, नीचे साइड है। यहां पे दोनों हाइड्रोजन आपको क्या दिख रहा है, ऊपर साइड, करेक्ट। तो आप बोलेंगे सही है तो डिफरेंट है, नहीं। याद करें बचपन में हम लोग सिस और ट्रांस पढ़ते थे, दो ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिस बोलते, क्लियर। तो यहां पर दो ग्रुप सेम साइड है इसको भी सिस बोलेंगे, दो ग्रुप सेम साइड है इसको भी सिस बोलेंगे, दैट मीन्स दीज टू आर सेम स्ट्रक्चर्स एंड दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोई कंफ्यूजन इस चीज में, तो ये रिंग का केस हो गया, रिंग के केस में भी देखने का तरीका आपको क्लियर है। रिंग पूरा देख ले, उस पर किसी भी दो कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ, या तीन कार्बन पे या चार कार्बन पे अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्लियर है। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखिए चैप्टर जो मोस्टली जाएगा ये आपके एग्जांपल्स पे ही जाएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट सीखेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इस पूरे टॉपिक में आपको क्वेश्चंस बनाना कंपलसरी, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, नोट करेंगे बच्चों। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सेम है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको इन सारे स्ट्रक्चर्स में वो सारे स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट करने हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें। हमारा मेथड वही है लेकिन क्वेश्चंस में अब देखने का तरीका डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूल्स में रिंग भी आ रहे हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो थ्योरी है आगे बढ़ने का वो हूबहू सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले में चलते हैं, पहले में देखेंगे आपके पास रिंग आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब किसके बीच में आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस कार्बन इस कार्बन के बीच में, तो चेक करें दो अलग अलग ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, थर्ड कंडीशन क्या है, अलग अलग डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो चीज आपको बता ही रखी है अभी कि रिंग के केस में अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, करेक्ट। रिंग के ऊपर दो, रिंग के नीचे दो, है ना। तो रिंग के ऊपर का रिंग के ऊपर वाले से डिस्टेंस कम होगा, रिंग के ऊपर वाले का रिंग के नीचे वाले से डिस्टेंस ज्यादा होगा, अभी बताया था। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आप कितना भी कोशिश कर ले यहां पर रोटेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स रिंग के केस में रोटेशन तो पॉसिबल हो गया, ये रोटेशन नहीं हो रहा है यहां पर, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखेंगे तो एटम पे अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, दोनों अलग है, ये दोनों अलग, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, कार्बन पे अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड कंडीशन लेंथ अलग अलग होना चाहिए, तो सेम चीज इधर भी अप्लाई करेंगे, दो ग्रुप रिंग के ऊपर होंगे, दो ग्रुप रिंग के नीचे होंगे, क्लियर है, सेम थ्योरी। दैट मीन्स तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में देखेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन पे देखें, फिर से वही बात है, रिंग स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेशन नहीं हो पाएगा, पहला कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन देखेंगे, जो एटम आप टर्मिनल देख रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोल रहे हैं, उस पर दो अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो देखिए सीएल और एफ अलग अलग है, सीएल और एफ अलग अलग है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस, तो दो रिंग के ऊपर है, दो रिंग के नीचे है, डिस्टेंस अलग अलग हो गई होगा। दैट मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन को कंसीडर करें,
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब आप चेक करेंगे हर टर्मिनल कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए HCl3 है, दो अलग अलग ग्रुप है यहाँ पे, लेकिन क्या है F4S सेम ग्रुप आ गया। That means ये चीज symmetrical isomerism शो नहीं करेगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है किसके किसके बीच में देखना पड़ेगा? तो आप ध्यान देंगे ये कार्बन है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। CH3 दिखाया है यहाँ पे, हाइड्रोजन हिडन था के? और बाकी ये नाइट्रोजन देखेंगे, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर होगा। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान दें नाइट्रोजन और ये कार्बन को पकड़ के घुमाने का कोशिश करेंगे, घूमेगा नहीं घूमेगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, जिसके अलोंग आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देख रहे हैं उस पर्टिकुलर एटम पे दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो CH3 और H अलग अलग ग्रुप है, बिल्कुल प्रेजेंट है। H और लोन पेयर अलग अलग ग्रुप है, बिल्कुल प्रेजेंट है। क्लियर? तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या है? दो ग्रुप अबव द प्लेन, दो ग्रुप बिलो द प्लेन, रिलेटिव डिस्टेंस अलग होगा। दैट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहां पर ये चीज बहुत ध्यान देनी है कि लोन पेयर विल बिहेव एज अ ग्रुप, करता भी है। क्लियर है ये चीज? उसी तरह से यहां पर भी देखेंगे सेम लॉजिक। यहां पे नाइट्रोजन आ गया है, जब आप इसको देखेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन लोन पेयर, रिंग है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। फिर जिसके अलोंग आप देख रहे हैं उस पर दो अलग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन लोन पेयर अलग है, हाइड्रोजन लोन पेयर अलग है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या है वो लगाएंगे, तो दो रिंग के ऊपर है, दो रिंग के नीचे है, 11 नॉट इक्वल टू L2, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास रिंग भी प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। दैट मींस इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये और ये आइडेंटिकल है तो किसी एक बारे में भी बात करते हैं। तो चेक करें, सबसे पहले ये और ये कार्बन देखते हैं, पाई बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। नेक्स्ट आपका क्या था? अलग अलग ग्रुप। तो इस कार्बन पे CH3 है, H है, अलग अलग ग्रुप है। लेकिन इस कार्बन पे देखिए, इधर से भी जाएंगे इधर से भी जाएंगे, सेम ग्रुप मिल रहा है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। दैट मींस इस पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा है। अब रिंग के हिसाब से देखेंगे, तो रिंग के हिसाब से देखेंगे तो आपके जो टर्मिनल एटम्स हैं उस पर दो अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या अलग अलग ग्रुप है? सेम है। दैट मींस इस केस में भी दो अलग अलग ग्रुप नहीं आ पाए। दैट मींस ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सेकेंड कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ है। यहां पर देखेंगे, यहां पर भी सेम चीज है, इन दोनों कार्बन के अलोंग भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू पाई बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड डिस्कस करते हैं। पाई बॉन्ड अगर डिस्कस करेंगे तो पाई बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस कार्बन पे CH3 और CH3 दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हो गए, तो इस पाई बॉन्ड के हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करना चाहिए। सेकेंड आप देखेंगे रिंग, तो रिंग में देखेंगे आप ये कार्बन और ये कार्बन पकड़े, घुमा के देखेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि टेट्रावेलेंट है कार्बन। तो चेक करें, एक हाइड्रोजन एक CH3 अलग अलग ग्रुप है, एक CH3 हाइड्रोजन अलग अलग ग्रुप है। दैट मींस सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड कंडीशन क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस भी देखें, ये एक रिंग है, दैट मींस दो ग्रुप प्लेन के ऊपर, दो ग्रुप प्लेन के नीचे, L1 नॉट इक्वल टू L2, रिलेटिव डिस्टेंस। दैट मींस ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा मॉलिक्यूल। क्यों करेगा? ड्यू टू दिस रिंग, रिंग की वजह से करेगा।
पाई बॉन्ड के वजह से नहीं कर रहा है, ध्यान देंगे इस चीज को, ये किसके वजह से कर रहा है, रिंग के वजह से कर रहा है। इस एटम और इस एटम के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू हो रहा है, क्लियर। उसी तरह से यहां पर देखें, ये तो काफी आसान एग्जांपल हो गया, इस एटम और इस एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो रिंग है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। सेकेंड, ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए तो ग्रुप्स अलग अलग भी हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव डिस्टेंस वो आप डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या ये करेगा, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट यहां पर देखें, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर भी दो केस आ रहे हैं, एक पाइबॉन्ड का और एक रिंग का, करेक्ट। तो दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। सबसे पहले पाइबॉन्ड देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड। सेकेंड में आएंगे तो इस कारण पे देखेंगे दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, अलग अलग ग्रुप नहीं सेम ग्रुप है, दैट मींस पाइबॉन्ड के हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पाइबॉन्ड हटाया, अब रिंग के हिसाब से देखें तो इस रिंग में यहां पर तो सीएसटी है, हाइड्रोजन है, अलग अलग ग्रुप है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, लेकिन यहां पे क्या है, दो हाइड्रोजन, दैट मींस अलग अलग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। जब अलग अलग ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्लियर है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके, और भी कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं जो कि आप घर पे ट्राई करेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको अगले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग 100% पढ़कर आना पड़ेगा, बिना केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग स्पाइरेन्स या क्यूमुलिन्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्यूमुलिन्स करके टॉपिक और उसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग में करा रखा है, एटलीस्ट एक बार रीडिंग मार लें कैसा दिखता है स्ट्रक्चर, क्या बॉन्डिंग होती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन बहुत ब्रीफ में, हमने ज्यादातर डिटेल में काम कर रखा है इसका केमिकल बॉन्डिंग। खैर अभी नोट करें और कुछ क्वेश्चंस लिखें जो कि आप होमवर्क के तौर पे घर पे ट्राई करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके आधार पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके सामने, काम आपको उतना ही करना है कि आपको पता करना है कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कौन से नहीं करेंगे। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, आप आराम से देखें, समय लें, और नेक्स्ट क्लास से पहले आप मेरे को ये आंसर्स मेरे को टेलीग्राम ऐप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप आराम से इसको थरोली पढ़ें सारे एग्जांपल्स, बार 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 वीडियो देखें, उसके बाद इस क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।